दो महीने में आने वाले तुम्हारे बर्थडे के लिए क्या गिफ्ट दूं वही सोच रहा था। करेक्ट गिफ्ट मिल गया। अपने बेटे को मत उकसाओ, आपको पता नहीं है कि गुंडों का इंश्योरेंस
होता। इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं तो पंगा क्यों लिया? बहुत टेढ़ा आदमी है वो, पहले धुलाई करता है फिर सुखाता भी है। नहीं था, मेरा टाइम खराब है। अरे बाप रे, टाइम से याद आया, बेटा तेरे को ऑफिस नहीं जाना है, देर हो जाएगी। अरे धुलाई में बहुत मजा आ रहा था माँ, इसे छोटी सी वार्निंग देकर गलती लेता हूँ। जय श्री कृष्ण। आपको एक ही बात सिखाई, जब भी लड़ाई झगड़ा हो बिना सोचे समझे दुश्मन को चीर फाड़ना है। इतना डोज काफी है? काफी है। हंसते हुए बोलिए। काफी है। थोड़ा और? काफी है। खूब मालो। माँ को शेंदे लगे कि वार्निंग दूंगा। वैसा अपन का सिर्फ डायलॉग बोलना फैंस को नहीं जानता। मार धार इज मस्ट। फर्स्ट गलती थी तेरी, साइलेंसर लेकर आया। अगर तूने रिपीट टेलीकास्ट किया तो साइलेंसर नहीं तलवार लेकर आ। साइलेंसर लगा वहां तलवार लगेगी तो क्या होगा? थैंक गॉड मैं तलवार लेकर नहीं आया, वरना कब्बर राज ठाकुर बन जाना। हाथ धोने के काम आते हैं, यूज देम, समझा? अभी हो जाओ। थैंक यू। कुछ चाहिए? कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, और भाई पता है दलत का है, डिपॉजिट करने पर 100% तैयार हो रहा है। www.ticketbook.com यही नाम है, और अपना जैक में कोई इशू हुआ था? ले ले जल्दी से। ठीक है भाई, अभी जाता हूँ। जैक में हुआ क्या था? Thank you.
इसी वजह से आपको पिछली नौकरी से निकाला होगा सर।
एक डिटेक्टिव बन जाइए, फ्यूचर काफी ब्राइट है। नौकरी नहीं चाहिए, रिज्यूमे दे। तो कौड़ी की नौकरी चाहिए। खत्म हो जाना मांगता।
तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर शेर को छेड़ेगा तो चलो मादे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पूरी में बांध के दूंगा ना, तो काफी है। कोबरा निकलो, निकल। चिल्लाता है, निकलो मेरे भाई, जाओ वापस मत। सखुबाई सलामी गोया, चलिए चल जाइए। हेलो रुको, अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कालीला ना आंखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय गर्ल प्रणवी, बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है, तो कुंडली बताओ। मेरा नाम स्वामी है, पहले मेरे पास नौकरी थी अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं करूँगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते ही उसके साथ निकल पड़ी, उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझमें कोई बुरी आदत नहीं है, रोज शाम को 2 बैग मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ, आज कंपनी दोगी? नहीं पीती। और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक 2 व्हीलर, ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुँच गई? मैंने तो उससे आगे की सोच ली है, हम दोनों की 2 बेटियाँ भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे, मैंने बहुत आगे की सोच ली है। इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना, तो मैं ये रिश्ता पक्का कर दूँ। अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। इतने दिनों बाद हमें मिलने का मौका मिला। बांबू का पेड़ और उसकी जड़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा नहीं हूँ। शॉर्टकट लेकर ऊपर जाना चाहता हूँ। हर बार कछुए की तरह धीरे धीरे तो नहीं जा सकते ना, इसीलिए अगले 5 सालों में जो कंपनी टॉप 5 में जगह बना सकती है उसी को मैं दुगने दाम देके खरीद लेता हूँ। आपके होते हुए मैं इस कंपनी को कभी नहीं खरीदना चाहूंगा, लेकिन जब आपने कहा कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने बचे हैं तो सोचा इसे खरीद लिया जाए। जो कंपनी अच्छी लगती है उसे मैं 4 ऑप्शंस देता हूँ। नंबर 1, मांगने पे मिल जाए तो दान। नंबर 2, सौदा करके खरीद लिया उसे तो बिजनेस। 3, ब्लैकमेल करके लो तो दादागिरी। नंबर 4, मार कर छीन लो तो सियासत। इसे कहते हैं जंगल राज। अगर मत लोग पहले 2 ऑप्शंस चुनते हैं, सेटलमेंट कर लेते हैं। सो लेट्स कम बैक टू द फर्स्ट ऑप्शन। आपकी ये कंपनी मुझे चाहिए। इस कंपनी को खरीदने के लिए ये रहा मेरा ऑफर। Hey, I don't think this is a bad number. I'm not for sale. जंगल के शेर पर कोई नियम लागू नहीं होता। अगर शेर को भूख लगती है वो खा जाता है, जब उसे भूख लगती है वो शिकार करता है। I'm hungry. बाकी तो ऑप्शंस का सामना करने के लिए तैयार रहा हूं। परसों एक और बात कही थी, I'm living successfully, I want to die successfully. यही ना? You might be living successfully, but you are not going to die successfully. क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच हम खड़े हैं।
नहीं चाहता कि वो इस झगड़े में शामिल हो। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओ, आपको एक बात बतानी। आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़की ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था। अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही है? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलन हैं? प्रणवी। चल, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? मेरी बेटी लक्ष्मी है। लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई। या तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है। कोई एक बार फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ड्राइवर की तरह रहना। ए मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले गए। पापा जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम एक लड़के से मिलवा रहा हूँ। एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया। उसे बात कर लिया तुमसे। पापा मुझे बताए बिना ऐसे कैसे लिया? सरप्राइज बताया नहीं जाता। आपकी बेटी लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे, इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बॉम्ब डाल दूंगा। उसको बोलो वो डरेगा। गाड़ी में चक्रा है। मुझको डराने चले थे। नहीं पापा, पहले वो लड़की मुझे तो पसंद कर ले। मुझे और टेंशन मत दो।
पापा शादी तो उसी से होगी। ओके नशा।
मैंने ठान लिया तो मैं उसके ओनर को उसी की कंपनी से हकाल देता हूँ। तेरे जैसे दुर्गौड़ी के आदमी को पार्टनर कैसे बनाऊं? हम वैशाख का एक सेमेले है, पूरा का पूरा वैशाख हमारे कुट्टी में है। इस एक सेमेले से टक्कर लेने वाला बच नहीं सकता। लेकिन तेरी गर्दन मेरे हाथ में, ये तू नहीं जानता क्या? शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये
ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बेस्लिक। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद रोमी भी तो हाँ बोला है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिल कर रहे, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा, कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने, इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियाँ शिकायत करती है कि पति तो बहुत अच्छा है और मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अब भी हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहुरानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर भाभी बेबी। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए
मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता, मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ, चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे। आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे स्वामी। आप अपना क्या करते हो? चौथा निकाल दिया, अब आवारा गर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो Thank you.
मिल गई है। ये सुनने पर कैसा लगता है? आप सब भी वैसा ही महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब मेरे बेटे ने कहा, पापा मैंने हजारों लोगों को नौकरी दी, तो जो खुशी होती है वो आज मैं महसूस कर रहा हूँ। मेरे जन्मदिन का तोहफा सिर्फ ये हजारों नौकरियां नहीं है, हजारों परिवारों की खुशियां हैं, हजारों परिवारों को जोड़ने का पुण्य है। वेलकम टू द फैमिली ऑफ पीपल मार्ट। ऑन दिस हैप्पी नोट आई वुड लाइक टू अनाउंस दैट पीपल मार्ट विल हैव इट्स न्यू सीईओ फ्रॉम द 1st of April। पहले जेपी मुझसे मिला था। पापा, आप उसे डर रहे हैं क्या? उसके बारे में तू नहीं जानता। पापा, जेपी से मैं बात करता हूँ। जहाँ उसकी नजर पड़ती है कुछ सुनाई नहीं देता। जाने दीजिए, इस मसले को सुलझाने के लिए एक इंसान है जिसे हम दोनों जानते हैं, उससे बात करूं।
अपनी मौत से सिर्फ 10 सेकंड्स दूर है बच्चों। 9 8 7 6 5। स्वामी हेल्प करेगा। 4 3। बात करना है। चलो ठीक है, बेटे से बात कर लो। मरने वाला हूँ, लेकिन एक नाकाम बिजनेसमैन बनकर नहीं जाना चाहता। मैं मान गया तुम सही थे, ऐसे लोगों से डील करने के लिए बात करने वाला बिजनेसमैन नहीं, विरोध करने वाला कॉमन मैन ही करेक्ट है। अंकल, स्वामी, आनंद दोनों एक ही आदमी है। स्वामी ही आनंद है। Thank you.
आ गई, मेरा पगार ट्रांसफर किया कि नहीं। तू मेरे लिए साढ़े साथी है। मुझे बहुत लोग ऐसे ही बोलते सर। चार साल का रिश्ता
इंसान को बदल देता है। मुझे पापा के पास भेजना उनके लिए भी आसान फैसला नहीं रहा होगा, लेकिन उन्होंने अपनी शराफत दिखाई।
के हो स्वामी, लेकिन काम करोगे पीपल मार्ट के सीईओ बनकर। पगार सिर्फ यहाँ से लूँ या वहाँ से भी ले सकता हूँ, चक्कर क्या है सर? सॉरी सर। पीपल मार्ट का होने वाला सीईओ एग्जैक्टली तुम्हारी तरह दिखता था, उसे हाल ही में किसी ने मार दिया। उसकी जगह अब नए सीईओ तुम बनोगे और मेरे लिए काम करोगे। वहाँ जाकर आपका काम करना ये तो गलत है ना? किसी बराए के लिए गलत करना गलत है, लेकिन अपनों के लिए गलत करना पूरी तरह जायज है। ये त्रिविक्रम आपको कुछ लगता है? हाँ सर। ओके सर, मैं जाऊँगा। टुमारो मॉर्निंग यू हैव टू साइन एज अ सीईओ ऑफ द कंपनी, तो उसके लिए तुम तैयार रहना। सो आई विल पिक यू फ्रॉम योर होम। ओके ओके सर, आप खुद मुझे इस तरह ले जाकर पीपल मार्ट का सीईओ बना रहे हैं तो मैं मना कैसे कर सकता हूँ? आपके आशीर्वाद से सीईओ बन रहा हूँ, इस बात का नशा ही कुछ और है। कल से आप यहाँ पर और मैं वहाँ पर, दुनिया हिला देंगे। लेकिन वो चक्रवर्ती नहीं माना, अब सिर्फ 2 लाख रुपए में उसकी कंपनी मेरे कब्जे में होगी। कौड़ियों के दाम। Yeah.
चलो सारे ताल में हो सीखना चाहती है। उनके सामने थोड़ा भाषण देके सीधा मेरे पास आ जाना। कंपनी के सारे शेयर्स और असेट्स हमारे नाम पर करने के ये कागज हैं। जल्दी से साइन करो इस बार। विटनेस के तौर पर हमने हाई कोर्ट से लॉयर भी बुलाया है। साइन करते ही गेम ओवर। सर 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 सर, मैं बचपन से स्टेज फियर है सर, भाषण देना थोड़ा मुश्किल है। आपका वो तो अभी साइन कर दे। वापस आकर साइन कर लेना। छोटी सी स्पीच है, जस्ट टू लाइन्स। दो लाइन कह रहे हो या तो पांच लाइनें लिखो। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। आप सबके साथ मिलकर कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आज के लिए इतना ही। अभी थोड़ा टेंशन में हूँ सर, रट्टा मार कर आता हूँ। तुम ले गए तुम ले। एक लाइन याद हो गई है, बाकी की चार कर लेता हूँ। मैं रेडी हूँ सर, याद हो गया। पीपल मार्ट परिवार के सभी लोगों का स्वागत सुस्वागत। आपके साथ मिलकर इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। वेरी गुड, थैंक यू सर। जल्दी जाओ और जल्दी वापस आओ। इतना गधा ही कोई कैसे हो सकता है। मैं भी सेम टू सेम सोच रहा हूँ सर। चलो जाओ जल्दी। चलो चलो, लेट हो रहा है। चलो इनवाइटिंग द न्यू सीईओ ऑफ पीपल मार्ट ऑन द स्टेज। परिवार के सभी लोगों का स्वागत सुस्वागत। आपके साथ मिलकर मैं इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाऊंगा, मैं आपसे वादा करता हूँ। आपका अपना विवेक आनंद चक्रवर्ती। विवेक आनंद चक्रवर्ती। साथियों, मेरा एक सपना है इस पीपल मार्ट कंपनी में आगे एक भी एम्प्लॉय ना बचे। ए, क्या पके जा रहा है? मेरे पापा ने यह कंपनी 10 लोगों के साथ शुरू की थी। पहले 6 महीने में पगार नहीं मिली और ना ही मांगी। कंपनी शुरू होने के 2 साल के बाद भी कंपनी पूरी तरह लॉस में थी। तब 9 महीने किसी को पगार नहीं दी, किसी ने मांगी भी नहीं। आखिर क्यों? क्योंकि आप सब इस कंपनी को अपनी कंपनी मानते हैं। लेकिन सिर्फ आप ऐसा सोचे तो ये काफी है क्या? हमें भी तो सोचना चाहिए। 10 लोगों से कंपनी की शुरुआत हुई थी, आज इसमें 10,000 से ज्यादा लोग हैं। आप तब भी खुद को एम्प्लॉय समझते थे, आज भी समझते हैं। ये बोल क्या रहा है? इसीलिए पीपल मार्ट कंपनी का नया सीईओ नई सोच के साथ आगे बढ़ेगा। सीईओ के हिस्से के शेयर्स में से 50% शेयर्स मैं चैरिटी में दूंगा और बचे हुए 50% शेयर्स सीईओ से लेकर वॉचमैन और वर्कर सबके बीच बिना भेदभाव के बराबरी में बटेगा। Thank you.
इसीलिए अपने फैंस का फेवरेट हूँ। कोई और भी है जिसने मेरा जीना आराम किया है, सांस लेना मुश्किल कर रखा है। कौन है? तेरा पापू। कल एक परफॉर्मेंस तेरे घर पर होगा, सीन शुरू होते ही इमोशनल होना। तुम्हारा पति परमेश्वर के पास गया, अब हम क्या करें? उसकी इच्छा सब होता है हमारे अच्छे के लिए होता है बेटी। लेकिन आपको जब से मिला हूँ मेरे साथ सब बुरा ही हो रहा है। प्यारों की सिर्फ एक महीना हुआ था, कितना रोगी? जब पता चलेगा आपने सुपारी दी थी तब क्या होगा? मुंह बंद रख अपना। अरे बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो, एक पिता यही सपना देखता है ना। काश मेरे पिताजी को भी यही सपना हुआ होता। 10 लाख देकर इसके लिए सुपारी देता हूँ, पनौती तो चली जाएगी सर से। मम्मी जी है ना सर? तेरी मम्मी तो नहीं है ना? एक मौका मिलने दे मुझे। नहीं तो मालिक जी आप क्या बोल रहे हो? अरे चांस कहाँ मिलता है, लेकिन हर शादीशुदा मर्द करना तो यही चाहता है। अगर बीवी को मारना गुनाह नहीं होता ना, तो इंडिया में शादी से ज्यादा मर्डर्स होते हैं। वो रहने दो, पहले ये सोचिए कि लड़की को आनंद से शादी करवाने के लिए कैसे राजी करें। वही सोच रहा था यार। आनंद आनंद। हाँ अंकल। आप हमारे घर पे कैसे? प्रणवी का जिससे टाका भिड़ा था, सुना है किसी ने उसे टपका दिया। आपको कैसे पता चला? पार्ट टाइम में खबरी का भी काम करता हूँ अंकल। किसने मरवाया मालूम है? कड़े मुर्दे उखाड़ना आप लोगों का खानदानी पेशा है क्या अंकल? सर ये तो पहचान गए सर। ये चुप रहे छोड़ दो उसे, उसके कर्म उसे ले डूबेंगे। हेलो, मेरे लिए कोई नौकरी ढूंढो भाई, मालिक ज्यादा दिन तक नहीं बचेंगे। अंकल जो हो गया उसे भूल जाइए, आपकी बेटी प्रणवी से शादी करने में मुझे ऐतराज नहीं, चाहो तो दहेज मुझसे ले लो। मेरे घर आके आपने ये बता दिया, मेरी तो जिंदगी बन गई। तो कार छाप दूँ? छाप दो। मैं आपको जिंदगी का सत्य बताना चाहता हूँ। बताओ। जब कभी आपको मर्डर करने की खुजली हो तो फोटो मत दिखाओ, जिसको मारना है उसके पास डायरेक्ट पहुँच जाओ, वरना लफड़ा हो जाता है। कैसा लफड़ा? स्वामी समझ कर आपने आनंद को मार दिया, हो गया ना लफड़ा। मतलब जो मर गया वो आपकी बेटी का होने वाला खर्चू, मैं आपका होने वाला कमा। स्वामी कम क्लोजर। ससुर जी, आपने आनंद को मरवा कर उसकी लाश गांधी हॉस्पिटल में छुपा दी। अगर ये बात मैं चक्रवर्ती साहब को बता दूं तो क्या होगा? बेटा ऐसे खतरनाक फैसले बिना बताए मत करना बेटा। तो फिर जल्दी बताओ, अपनी बेटी की शादी मुझसे कब करवाओगे? मेरी बेटी की शादी तुमसे क्यों करवाऊं? पीपल मार्ट कंपनी के नए सीईओ के साथ भी नहीं? पंडित जी को अभी बुलवा लेता हूँ बेटा। मान क्यों गए? सीईओ जो बन गए। हटा सावन की घटा, महापापी कलेशी देखते ही तेरी शक्ल बढ़ने लगता है मेरा बीपी। कुंडालो भी बड़ी लोमड़ी मार दूं तुझे तो होंगे सब काफी हैप्पी। इसलिए थी तेरी जीप, कहा था मुझे गरीब नहीं आने दिया, गरीब बर्ताव था अजीब। क्यों मेरी जानू को घर बिठा कर फोड़ा मेरा नसीब। हे गुरुदेव, सठिया गया था बुढ़ा, स्क्रू हो गया था ढिल्ला, आप भी कहा लेकर बैठ गई है मुद्दा। लौट आई है बुद्धि, मत तोड़ना मेरी हड्डी, सीख गया बड़ी जल्दी, माफ कर दो मेरी गलतियाँ। चलो मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ, तुम मूर्ख हो साबित करो और मेरा ईगो सेटिस्फाई करो, तब मैं शादी के बारे में सोचूंगा। ये आइडिया अच्छा लगा। मैं हूँ चूहे की टट्टी करेगी, इधर भी मुझसे गड्डी, मकड़ी से भी मेरी फटती। उड़ जाए बैटिंग में डंडा करूँ, बॉलिंग भी गंदा, वो फील्डर भी मंदा, दुनिया के सारे निठल्लों का हूँ मैं छेला। बट रही थी अकल तब छुपा ली शक्ल, आपका दिमाग है फेरारी, मेरा है पैदल। मैं आपकी चीक आदमी, चिल्लर की भीख, फैशन पेपर हूँ लीक, आप कबाब में सीख, आप लेदर की महंगी बेल्ट में निकर का नाड़ा आप लगा थी। हो गया मना के खुल गई है आके, अब तो शुरू कीजिए शादी की बातें। अब मेरी सुन, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर। बेटी का पापा बंदर एक नंबर, क्योंकि तेरी बेटी है सुंदर, पापा बंदर एक नंबर, करवा दे छोरी ना लगन कमिंग दिसंबर। निकलो, अगर आपसे तुमने सुपारी दी। सुपारी खाऊंगा लेकिन दूंगा नहीं। कोई और खेल खेलने की कोशिश करोगे? सिर्फ तुम्हारे बच्चों के साथ खेलूंगा। तथा धन्यवाद सर,
अथर्व सर आपसे मिलने के लिए ऊपर आ रहा है। ये तो डायरेक्टली ऊपर आ रहा है, क्या बोलोगे तुम? कहीं मैं चुप जाऊंगा। तू आनंद है ना? आनंद नहीं, विवेकानंद चक्रवर्ती। तुम्हारा इस कंपनी को हड़पने का प्लान है ना, तो बस सपने सजाते रहो। मेरे होते हुए तो इस कंपनी की चाबी तो क्या किचन को भी हाथ नहीं लगा पाएगा। मुझे एक्टिंग में चांस मिल सकता है ना? मैं तेरा स्वामी हूँ, पहचाना नहीं? मैं वही डुप्लीकेट बंदा हूँ जिसको आपने हॉट सीट दी है। स्वामी जी सर, मुझे क्या करने बोला था और तूने क्या किया? मैंने क्या गलत किया? कुछ भी बोल रहे हो। स्टेज पर एक आर्टिस्ट गलती कर सकता है, लेकिन वो अपने साथियों के साथ कभी भी धोखा नहीं कर सकता। मजा हुआ खिलाड़ी है, सारे डायलॉग तो खुद ही बोल रहा है। तुझे डायलॉग नहीं मिल रहा इसलिए चल रहा है क्या? चार शब्द के नाम पर माइक पर चार पर्दे रख दिए थे, पर अपन भी भारू कलाकार है। ऑडियंस को देखते ही एक्टर जाग गया, वो भी विद एक्शन, विद इमोशन, विद मॉड्यूलेशन। अगर मैंने भारू एक्टिंग नहीं की होती तो भाटा फूटता ना। सर, लगता है आनंद का स्पीच गलती से इसने पढ़ लिया है। मेरी बात सुनो। पहले आप मेरी बात सुनो, मुझे उस डायरेक्टर के साथ काम नहीं करना जिसे डायरेक्शन नहीं आता। मैं जा रहा हूँ, मेरी करनी हो जाएगी। मम्मी रुक जाओ, दरअसल वो तुमने रुकने कहा इसलिए नहीं रुका, मुझे कुछ कहना इसीलिए रुका। आप भगवान है सर, फोन के डिब्बे पे आपके बाप की फोटो है और हाथ में जो अंगूठी पहन रही है ना उसमें आपका अल्फाबेट है। मेरा बस चले तो आपके नाम का स्टैचू ऑफ लिबर्टी बनवाऊंगा। आप पुरुष नहीं, महापुरुष हो। सॉरी स्वामी, तुझे गलत समझा। पता तुझे नया ऑफिस कैसा लगा? चक्का है। वो बात नहीं, सीईओ की कुर्सी कैसी लगी? मुलायम है, मोटा गद्दा लगा है। प्योर सोने। झूठ नहीं कह रहा सर, आप चाहो तो बैठो, आजमा कर देखो। एक्चुअली तुम्हारे जैसे भोले लोग दुनिया में बहुत ही कम है। आप बहुत इंटेलिजेंट है, सही पकड़े हैं सर। आखिर इतना भोला कोई कैसे हो सकता है स्वामी? पैदा होते ही नर्स ने भी यही कहा था। ओके स्वामी, मैं ट्रांसफर पेपर्स भेजता हूँ, तुम साइन कर दो। पेन पकड़ कर खड़ा रहूंगा। ठीक है, जल्दी मिलेंगे। एक मिनट। पता नहीं क्यों आपको फूल देने का मन किया, खास करके ये कलर और ये आपके पापा के लिए। ऐसे दिन आ गए, अब तो मान है। ए विक्रम, कब आए? सुबह ही आया। ऑल गुड? पहले जेपी से निपटना पड़ेगा ना। जेपी अकेला नहीं है, इस कंपनी को कोई और भी हड़पना चाहता है। उस दिन मोर्चरी से दो फोन किए थे। सर, सबको लग रहा है कि आनंद को जेपी के लोगों ने ही उसे मारा है सर, लेकिन असल में आपने मरवाया कि किसी को नहीं पता है। दूसरा फोन किसे किया था पता करना होगा। संजय सर, साइन करो। आधे में मत छोड़ो, क्लाइमेक्स बताओ। मैं ये सोच रही थी कि
तुम्हारा हाथ अब तक सिर्फ कमर पर ही क्यों है? जितना सोचा था उससे भी ज्यादा हुआ है। तभी तो चोरी जमेगी। जान लिया
मेरी कमजोरी का इस्तेमाल किया। मुझे भागते ही बैटरी ले रही है, मुझे चुनौती दे। और भाई पता है, 10,000 स्वामी को नहीं छोड़ूंगा। मैं बूढ़े के पास गया, उसे सारा मैटर बता दिया।
उसने 100 करोड़ की ऑफर दी और 50% शेयर देने का वादा किया, अब इनकार कैसे करता? अब 100 करोड़ मिलने के बाद कंपनी पर ताला लग जाए या वो पानी के भाव बिक जाए, मेरा तो कल्याण हो गया ना। ए, तुझे मैं 200 करोड़ देता हूँ, पहले शेयर बांटना बंद कर। क्या कहा? 200 करोड़ देने के लिए तैयार हो गए हो? बजट कम है, ऐसा क्यों बोला? मेरे साथ तो धोखा हुआ ना। ये बकवास छोड़, पहले जाके उनको रोक। सर ने भी यही कहा, पहले जाके उन्हें रोको। अगर मैं ठान लूँ ना तो तुझे मारना सीटी बजाने से आसान है। तब तो बजानी ही पड़ेगी। अब तो अपन भी अमीर है, मेरे पास भी भाड़े के तत्व है। आप सिर्फ ऑर्डर दो सर। सरा रुक जा, नया टाई सूट है, नई मशीन गंदी है, इसलिए बच्चा जरा जोश में आ गया है। दिवाली के पटाखे देखे ना, ये सारे वैसे ही है, ये कोई छोटी मोटी लवंगी नहीं, 4 रॉकेट के बराबर है। निकनेम बताए? डिस्ट्रॉयर। अगर उधर से गोली भी चली तो इधर से सहभाग। पीछे 30 लोग खड़े होते हैं तो मैं भी इतनी बातें करता। अमावस के अंधकार को मिटाने के लिए हजारों तारे सपोर्ट करते हैं। अपन वो सूरज है जो दुनिया पे अकेले राज करता है। बॉस आएगा तो चल जाएगा। बॉस रिलैक्स। मजाक लग रहा है तुझे ये सब? ये बात पापा को पता चली तो पता है क्या होगा? गुंडागर्दी में भी नेपोटिज्म आ गया क्या? तेरे बाप की फिक्र मत कर, तू क्या करेगा बता? नहीं समझा? अभी समझाता हूँ। भगवान ने इंसान को 2 छेद दिए हैं, दोनों ही काम के हैं। पहला जिससे तू बकवास करता है और दूसरा जहाँ से तू हल्का होता है। दोनों एक एक हाथ से बंद कर और कटी। अगर मैं यहाँ से गया तो तेरी लाश पे सही जाऊंगा, ये ठान के आया हूँ। जरूरत पड़ी तो चक्रवर्ती की भी अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूंगा। इसकी विलनगिरी शुरू हो गई। मैंने सोचा था यह डील बिना मारपीट के हो जाएगी। सुन पोपट, तू पार्ट टाइम डीजे का भी काम करता है ना? पप्लू टोंका लगाए। बॉयज एंड गर्ल्स, पुट योर शूज ऑन, रेज द वॉल्यूम, लेट्स डांस ऑन सम मैड स्टफ। चल जल्दी से मेरा वाला गाना बच्चा। नहीं चाहिए था वो स्वामी नहीं बल्कि आनंद करोड़ की कंपनी उसकी हो सकती है, फिर 100 करोड़ के चिल्लर के लिए वो ऐसा क्यों करेगा? वो आनंद ही है। मैं ये अपने बेटे के लिए कर रहा हूं और वो ये सब
अगला कदम क्या होगा? तुम्हारे बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट हो गई क्या? वो छोड़िए लड़ाई। तुम्हारे बर्थडे पर वो कंपनी में तुम्हें तोहफे में देने वाला था। पीपल मार्ट के सीईओ का बर्थडे है, पार्टी तो बनती है। सो तुम जाके उसकी तैयारी करो, बाकी सब मैं संभालूंगा। तेरा वेट कर रहा हूँ। चुपचाप कागजात पे साइन कर दे और तेरी कंपनी मेरे हवाले कर दे, तब तेरे दोनों बापों को जिंदा रखना नहीं रखना ये हम सोच लेंगे। क्या हुआ? ठीक तो हो जाएंगे ना? ऐसे मौके पर भी काम ना आए तो क्या फायदा? आप जाइए सर।
पिताजी को हम संभाल लेंगे। अगर हमारे खिलाफ 100 लोग खड़े हैं तो हमारे साथ हजारों लोग हैं। पीपल मार्ट कंपनी का सीईओ है।
आनंद, मेरे बेटे के साथ ऐसा मत करो। देखो देखो उसकी क्या हालत हो गई है। प्लीज प्लीज मेरी बात सुनो प्लीज। मैं दो माँ, दो पापा और दो परिवारों का प्यार जानता था। दो परिवारों का दर्द क्या होता है वो तूने मुझे बताया। अगर सब कुछ डबल डबल है तो बदला भी डबल होगा। इतना तो हक बनता है संजय। मार दे। एक बात है जो तू नहीं जानता। मान ले अगर मैं नहीं मिला फिर भी पीपल मार्ट पर एक विलन गिद्ध की तरह मंडरा रहा होगा। उसका काम तमाम। मेरा भाई विक्रम चक्रवर्ती। आखिरी ट्विस्ट तू भी नहीं जानता। मेन विलन वही है। तेरी वाली प्लानिंग भी उसी ने की थी। की नजर में मैं विलन बन जाता और तेरे जैसे आदमी को मारकर हीरो बन जाता। तुम्हारा तो कब कर पाओगे? मेरे बेटे को कब सीईओ बनाओगे? कितने दिनों से वेट कर रहा हूँ मैं। उस सीईओ की जगह पर आनंद नहीं होना चाहिए, मेरा बेटा होना चाहिए। खेल का असली कच्चा नींबू तो तू ही है जेपी। अभी मैं ये सब तुझे क्यों बता रहा हूँ पता है? टाइम पास कर रहा हूँ ताकि तेरे बेटे को मार सकूं। अगर तू कहेगा तो तेरी कंपनी की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखूंगा। आई प्रॉमिस यू। डैड, उसे छोड़ दे प्लीज। तुम दोनों को मारने के लिए एक मिनट ही काफी है। 10 लोगों को मारना गुंडागर्दी, 10 लोगों को नौकरी देना बिजनेस। मैं बिजनेसमैन मुझे भी गुंडा नहीं। बच्चों को जन्म देते हैं,
लेकिन भगवान उन्हें माता पिता होने का सुनहरा अवसर देते हैं। मेरा बेटा बनने के लिए, पापा कहने के लिए, थैंक यू बेटा, थैंक यू। आई लिव्ड सक्सेसफुली, नाउ आई विल डाई सक्सेसफुली। सॉरी भैया, भाई सॉरी नहीं कहते, गले लगते हैं। एक किलो मेथी कितने की थी? मेथी किलो में नहीं, कुछ ही मिले नहीं पड़ा। क्या चाहो मम्मी? हाँ पुदीना अदरक की शॉपिंग चल रही है। लो 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 पापा, जॉब मिल गई। शाबाश बच्चा, अब फ्रेश होकर आता हूँ। अनन्या, सुब्रमण्यम जी का बड़ा बेटा इंजीनियर बन गया है, वो जॉब मांग रहा है। ओके, बुला लीजिए, वैकेंसी है। अरे वाह, हेलो, चाय लाई हो? मीठी है ना तुम्हारी तरह। सुनो, तुम इतनी बड़ी कंपनी के सीईओ थे तो फिर स्वामी को जॉब मिलने में इतना टाइम क्यों लगते हैं? रोज किसको फुर्सत थी, महीने के सिर्फ 15 दिन जा सकता था, बाकी तुम्हारे लिए। सर जी, आपके बेटी को अच्छा परिवार मिला है, कल अगर उसकी शादी हो जाएगी उसके बाद आपका क्या होगा? सर क्या होने वाला है? प्रणवी की शादी के बाद तेरी मालकिन और मैं दोनों अकेले रहने वाले घर पर। उसके हाथों तो मरना ही, और तू मेरी बेइज्जती ना करे इसलिए तेरे को भी मारना है, बस यही काम बचे। मुझे मारने का प्लान है। आपको क्या एक ही क्यों कहता है? एक बार मेरे को गुस्सा आ गया ना तो मैं रुकता नहीं, खराब होंगे। तूने मेरे को येड़ा समझ के रखा है क्या? ऐसा शक तो मुझे पहले से है, एक बार टेस्ट करवा ले क्या? अरे मेरे टुकड़े टुकड़े करके तुझे पैस लेकर आई है, ये टुकड़े टुकड़े कर देंगे, ऐसे बोल रहे हैं। और ससुर जी, इसे महीने का कितना देते हो? 25,000। आप महापुरुष हो जो पैसे देकर गाली खाते हो। नसीब को कौन बदल सकता है? Thank you.